हेलो क्यूटी, क्या हुआ? हेलो क्यूटी, हेलो क्यूटी, ये पिटवाएगा। क्या करके आए हो? दब 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 चुकटी चुकटी चुक के लगाएगा। क्यूटी रील्स बना रही है गाइस। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग वीडियो। तो अभी हम लोग जो है नेपाल में, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में भी देखा, और अभी हम लोग जो जा रहे हैं वो देवीज फॉल है, और वहीं पे हम लोग जा रहे हैं। तो ट्रैफिक काफी ज्यादा था, इसलिए हम लोग जो है ज्यादा रिकॉर्ड नहीं किया और डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच गए। और ये भी कार पार्किंग है जहाँ पे रुके हुए, और हमारे सब कोई देख सकते हो, सबको यहाँ पे रेडी है। और नवनीत जो है वहाँ पे कार पार्किंग के बाद जो वहाँ पे टिकट है ना, वो टिकट जो है देने गया है। और ये हमारा गाड़ी यहाँ पे लग गया, और उसके बाद जो है हम लोग जा रहे हैं देवीज फॉल में। और मैं व्हाइट पहन लिया हूँ, तो हो सकता है कि जो है मेरा फेस ब्लैक दिख रहा होगा कैमरा में, क्योंकि कैमरा जो है वो रिफ्लेक्ट करता है व्हाइट को। हम व्हाइट पहन लिए है ना, इसलिए व्हाइट पहना हूँ ना, तो कैमरा में ब्लैक मेरा फेस दिख रहा होगा, रिफ्लेक्ट करता है। हम लोग काले लोग, साउथ इंडिया के हैं। डीजे 6910 है। हाँ, उसको रख लो, उसका नहीं होता एक फोटो भी क्लिक कर लेना। मेरा दोनों पॉकेट आगे पीछे सब फुल है। तो अभी हम लोग जो है जा रहे हैं, और वाटरफॉल है एक, और हम फोटो वीडियो अभी कुछ नहीं देखे हैं, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कैसा है, पर फिर भी जा रहे हैं। और ये देख सकते हो यहाँ पे एक छोटा सा रोड है, और जस्ट अभी हम लोग यहीं पे जो है बोटिंग भी किए थे। और यहाँ पर हम देख सकते हो ये तो आदिति की घर है, ये कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। डेविस फॉल वो कैफे था। चलिए 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 चलिए, फरके मार गए, जल्दी जल्दी जल्दी। तो मैं जा रहा हूँ डेविस फॉल, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वहाँ पर एक्चुअली में है क्या, लेकिन जो भी होने वाला है मजा बहुत आने वाला है, तो वीडियो देखते रहिए। आइडिया नहीं है कि वाटरफॉल का जो है टिकट प्राइस कितना होगा। भाई 700 का शर्ट है, ऊपर खोल दे, इसीलिए तो अच्छा है। हेलो क्यूटी, क्या हुआ? हेलो क्यूटी, हेलो क्यूटी, हेलो क्यूटी, साला इसको बोल है पागल, ये पिटवाएगा हम लोग को, ये नेपाल में ही एडजस्ट करवाएगा, पकड़ वकड़ के शादी वादी करा देगा। यहाँ पे गाइस देखो, तो छोटे छोटे दुकान भी हैं भाई, अच्छा है। यहाँ पे घर के लिए ले लेंगे कुछ। हाँ, क्या हुआ? देखे लिखा हुआ है, हो गया। सो गाइस ये है टिकट, 80 रुपीज पर पर्सन पर हेड। और ये लोग जो है अभी पानी पी रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ठंडा पानी है क्या? पिलो पिलो पिलो। 80 रुपीज पर हेड, पता नहीं कैसा होगा अंदर। तो टिकट लेके हम लोग जो है अंदर आ चुके हैं डेविस फॉल देखने के लिए, और अंदर एक छोटा सा पार्क भी है जो कि आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। और पर हेड 80 रुपीज नेपाली देने पड़ते हैं इस टिकट के लिए। तो यहाँ पे आशुतोष जी जो है क्या करके आए हो? दब 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 दब, क्या करके आए हो? दब 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 चुकटी चुकटी चुक के लगाएगा। 80 रुपीज पर पर्सन है साइज का टिकट, प्राइस जो है काफी अच्छा है, मतलब इंडियन जो है वही 70-60 के आसपास होगा। पर जाकर देखते हैं कि पैसा वसूल है या नहीं। तो गाइस यहाँ पे जो है एक मैप है, गूगल मैप है, यहाँ पे नेपाली मैप है, देखो तो डेविस फॉल वहाँ पे देखो ना, फोटो जोन विथ नेपाली कल्चर कस्टम्स है ना, कस्टम्स ड्रेस के साथ देगा। और यहाँ पे एग्जिट, इधर टॉयलेट, और इधर जो है वाटरफॉल का ना साउंड आ रहा है बहुत मस्त, मतलब देखने में तो पता नहीं कैसा होगा, पर उसका साउंड बहुत ही मस्त आ रहा है, बहुत ही कूल आ रहा है। और वहाँ पे देखो रील्स बन रहा है, क्यूटी रील्स बना रही है गाइस। पता नहीं, इट्स बूटी, हम शक्ल नहीं देखे, इट्स बूटी बूटी, हम शक्ल नहीं देखे, क्यूटी तो इधर है गाइस, ये भटियारा है गाइस। अरे भाई भाई, छिया रे रंडवा, हमारी बात बोलेगा भाई तू? हम लोग जा कहां रहे, वो लोग को तो आने दो। अरे साला सेल्फी हो रे रे भाई भाई, गद्दारी कर बे, ए गद्दारी कर बे, गद्दारी कर बे, इसी में कल फिर का है टिकट। अच्छा, पहले 80 रुपए लिए हैं, 100 नहीं है, इसमें मैप लिखा हुआ है सामने, देख लीजिए, सब पढ़ लिए। क्या लिखा हुआ है भाई? गुलाबी गुलाबी देखो ना, लिखा था अन्नपूर्णा ट्रैक लिखा हुआ है। अरे चलते हैं यहाँ पे, देखते क्या है। आते हैं, उसका टाइम है, यस यस, चलो ना देखते हैं। अरे इसके बाद वो गिदंबा, ओके ओके, अन्नपूर्णा चल लेंगे। फोटो जोन से भी है, कहाँ जा रहे हैं? ये तो है वाटरफॉल के नीचे। अच्छा, यही है बस। गणेश जी देखो कितना अच्छा है। हाँ, यहाँ पे देखो गणेश जी, अरे नीचे चलते हैं ना। चलो भाई चलो, भाई साहब वो देखो कितना स्पीड में पानी निकल रहा है भाई। चलो नीचे चलो, नीचे चलो, नीचे चलो, नीचे चलो, नीचे चलो, अरे नीचे चलो, देखो ना कितना स्पीड में पानी निकल रहा है। यहाँ फोटो, नीचे चलिए ना, नीचे तो पूरा फोटो ही फोटो होगा, अभी ऊपर क्या फोटो।
डेविस फॉल के पास पहुंचने के बाद यहां पर वाटरफॉल का इतना तेज साउंड था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। और मैं सोच रहा था कि भाई मैं अगर वीडियो में रिकॉर्ड भी करता हूं तो यहां पर कुछ भी ऑडियो आने वाला नहीं है। और ऊपर से हम लोग पहाड़ पे थे जिसके वजह से धूप जो है डायरेक्ट हमारे सर पे लग रहा था। और सच्ची बताऊं तो उस दिन गर्मी काफी ज्यादा था, पूरा हालत खराब हो गया था गर्मी से। और यहां पर वाटरफॉल का साउंड भी इतना तेज आ रहा था कि मैं सही से अपना ऑडियो रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन भाई ये बहुत ही मस्त जगह है और इसके बारे में भी मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ जो कि आगे आपको देखने को मिलेगा। तो चलो मैं आपको इसका नेचुरल साउंड सुनाता हूँ कि ये इतना तेज में पानी का बहाव था ना कि बहुत ही तेज लाउड आवाज आ रहा था, लेकिन जो भी है इसमें एक रिफ्रेशमेंट फील हो रहा था। चलो मैं आपको इसका नेचुरल साउंड सुनाता हूँ। तो गाइज वाटरफॉल का यहाँ पे साउंड इतना है ना कि हम जो है ना अपना ऑडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे ढंग से। और ऊपर से गर्मी ओवर है और इतना मतलब तेज गर्मी है कि क्या बताऊँ। और यहाँ पर देख सकते हो अक्षत जो है किसी कपल का फोटो क्लिक कर रहा है। अक्षत को दिखा रहा हूँ कि किसी कपल का फोटो क्लिक कर रहे हैं। और बहुत ही तेज जो है गर्मी है, हालत ख़राब हो गया, पूरा पसीना पसीना पूरा बॉडी जो है भीग गया हुआ है, पूरा हालत ख़राब है यहाँ पे। और सबका बॉडी जो है भीग गया हुआ है पसीना की वजह से। पता नहीं ऑडियो आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, पर आ रहा होगा क्योंकि बहुत नज़दीक से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सांस भी फूल रहे हैं और काफ़ी मतलब खूबसूरत जगह है, पर गर्मी की वजह से जो है सारा मूड ख़राब हो जा रहा है, पूरा मूड ख़राब हो जा रहा है। मेरा बाल जो है पूरा चिपक गया हुआ है, पीठ पूरा भीग गया हुआ है, गला से पसीना निकल रहा है। और ये है वाटरफॉल, कहाँ जा रहा है पानी। और देख सकते हो ये पानी जो है ना बहुत ऊपर से आ रहा है पर नीचे जा रहा है, और नीचे कहाँ जा रहा है पता नहीं चल रहा है। ये नीचे झील बना होगा ना, जैसे हम लोग रोड के तरफ से घूमते हैं ना, हम लोग जो रनवे या रोड से आए हैं ना, तो पहाड़ पर से गिरता नहीं है। हाँ, वही तो हमको लगा, वैसा ही होगा। ये भी झील देखिए, उन मूर्खों को, उन मूर्ख लोगों को जिन्होंने यहाँ पर गंदगी दिया। यहाँ पे आया कैसे होगा, ऊपर से फेंका होगा ना, ऊपर से फेंका होगा। नीचे देखो तो वहाँ पर जो है ढेर सारा कचरा, अब वही जाएगा नीचे पानी में और वही जाएगा नदी में, वही पॉल्यूट करेगा। देख सकते हो गाइस, दोस्त करेगा वही ना। जगह काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे हवा लग रहा है, ऐसे फेस करके देखो ना भाई, बहुत तगड़ा हवा आ रहा है। अभी गर्मी है तब मॉनसून का सीजन जब आएगा तो पूरा पानी भरा रहेगा ऊपर तक, जब मॉनसून का सीजन। यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा मार्केटिंग है ताकि कुछ पूजे ना, नहीं तो सुसाइड पॉइंट हो जाएगा ये। इसको देखो ये फोटो कर रहा है हर जगह पे। भाई क्या है, फोटो में बैकग्राउंड थोड़ी दिख रहा है कि तुम कहाँ हो, फोटो में बैकग्राउंड थोड़ी दिख रहा है कि कहाँ पे खड़ा है। इतना फोटो लेने से क्या फायदा, फोटो यहाँ से लेने से क्या फायदा, बैकग्राउंड में थोड़ी कुछ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई कोई पार्क वार्क के गेट पे खड़े हो। डेविस फॉल के लिए यहाँ पर अगर आप टिकट लोगे तो अंदर में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, पार्क है यहाँ पर, डेविस फॉल है और भी बहुत कुछ है। लेकिन हम लोग ने सोचा कि सबसे पहले डेविस फॉल घूम लिया जाए, क्योंकि भाई ये डेविस फॉल आखिर क्या है और क्यों फेमस है और क्यों इसका नाम डेविस फॉल पड़ा हुआ है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर अभी घूम लिया हूँ, काफ़ी गर्मी था तो इसलिए यहाँ से तुरंत फोटो वगैरह क्लिक करवा कर निकल गया हूँ। और जो भी फोटो यहाँ पर क्लिक किया वो सब मिलेगा मेरे इंस्टाग्राम के पोस्ट पे, तो जाकर आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो। स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम का आईडी दिख रहा होगा आपको। सो गाइज यहाँ पे जो है बहुत हिस्ट्री में सब कुछ लिखा हुआ है, कितने लोग जो है डाई मतलब मर चुके हैं इसमें, मतलब ये सब लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये हिल कुछ ऐसा था पहले, और उसके बाद अभी देख सकते हो ये मॉनसून के समय में होगा। और यहाँ पे भी कुछ कुछ लिखा हुआ है, और ये अनुपर्णा हिल है और उसी का जो है डेमो यहाँ पे बनाया गया हुआ है फोटो के लिए। वहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई उस हिल में ना बहुत लोग मर भी चुके हैं, पूरा हिस्ट्री लिखा हुआ है। हाँ देखिए ना वहाँ पे लिखा हुआ है साफ, 31 जुलाई 1961 में मिस्टर डेविस, अच्छा समझे, वो जो डेविस फॉल लिखा हुआ है ना उसमें डेविस नाम का एक आदमी गिरकर मर गया था, उसके नाम पर बना हुआ है वहाँ पे लिखा हुआ है डेविस फॉल गिर गया। हाँ डेविस गिर के मर गया यहाँ पे, समझे रंजन भैया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी हम लोग जो डेविस फॉल में गए हैं ना, तो डेविस नाम का एक सिटीजन था, एक आदमी था जो यहाँ पे आया था ना, तो यहाँ पे ना गिर गया इसमें समझे, और वो डेड हो गया, मर गया। और हाँ इसीलिए ना यहाँ पे डेविस फॉल इसका नाम जो है रखा गया है समझे, उसी के नाम पे रख दिया गया है क्योंकि इस पे गिर के मर गया इसलिए। सो गाइस वहाँ पे सब सेल्फी ले रहा है, हम भी जाते हैं नहीं तो वहाँ से सब हटा देगा हमें, गद्दारी कर बे। यस यस गद्दारी तो हो रही। नेपाल के पोखरा आया तो डेविस फॉल जाने का
हमें मौका मिला और ये मौका हम छोड़ सकते थे नहीं, तो बिना कुछ पता किए ही डायरेक्ट डेविस फॉल आगे देखने। अब जब यहाँ पर आया और हिस्ट्री पढ़ा तो मुझे पता चला कि 1961 में 31 जुलाई को मिस्टर डेविस जो है यहाँ पे की जो कि स्विस का सिटीजन थे, वो यहाँ पर नहाने आए थे अपने हस्बैंड के साथ और इसी में जो है वो गिरकर डेथ कर गए। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनका बॉडी जो है काफी मुश्किल से जो है मिला और इन्हीं के नाम पर जो है डेविस फॉल का नाम रखा गया। तो कभी भी अगर आपको नेपाल आना हो तो आप एक बार डेविस फॉल जरूर आना, क्योंकि यहाँ पर पार्क भी है, मंदिर भी है, डेविस फॉल भी है और भी बहुत चीज है। यहाँ पर अन्नपूर्णा हिल भी बना हुआ है जिसका आप फोटो क्लिक कर सकते हैं और काफी पीसफुल जगह है और काफी अच्छा जगह भी है। तो यहाँ पर हम लोग जो है घूम चुके हैं और यहाँ पर हम लोग का भी प्लानिंग हो रहा है कि नेक्स्ट कहाँ पर घूमा जाए। अब नेक्स्ट जहाँ पर भी घूमूंगा उसका वीडियो बहुत जल्दी आएगा इस चैनल पे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक भी कर दो अगर अभी तक आप देख रहे हो तो।